मेरुदों की प्रबंध चिंतामणि में यह स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है कि तैलपदिति ने मुझ के खिलाफ मालवा में अनेकों सैन्य अभियान किए थे और हर बार उसे जो है हार का सामना करना पड़ा था। इसके पश्चात जो है मुझ तैलपदिति के राज्य में आक्रमण करने का निश्चय करते हैं और प्रबंध चिंतामणि जो है इससे संबंधित उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिसमें मुंजी के जो मंत्री हैं रुद्रादित्य, वो मुंज को ये चालुक्य राज्य में जाकर आक्रमण करने से मना करते हैं। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि तैलपदिति जो है मुंज को अपने राज्य में पराजित करते हैं और उसे जो है बंदी बना लेते हैं। इसके आगे की कथा भी हमें प्रबंध चिंतामणि में ही प्राप्त होती है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जेल में रहने के दौरान मुंज तैलपदिति की बहन मृणावती के प्रेम में बंध जाते हैं और वो उसके साथ अपनी जेल से भागने की जो योजना है वो उसको उसके साथ जो है साझा करते हैं। मृणावती इस बात को अपने भाई तैलपदिति को बता देती है। इसके पश्चात जो है मुंज को लगभग 995 ईस्वी के आसपास जो है मुंज को जो है मार दिया जाता है तैलपदिति के द्वारा। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि तैलपदिति का चोलों के साथ जो है युद्ध आरंभ होता है और इसके संभवतः कारण जो है हमें उसके सामंत शासक के रूप में जो है तैलपदिति के द्वारा सामंत शासक के रूप में जो है चोलों के खिलाफ अनेकों युद्ध में भाग लेना भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसका जो समकालीन जो चोल शासक था उसका नाम है राजराज और इनके बीच जो है संभवतः गंगवाड़ी और नोलमवाड़ी क्षेत्रों को लेकर जो है इनके बीच जो है संघर्ष आरंभ होता है। कोगली नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से स्पष्ट होता है कि आहोमल्लदेव यानी तैलपदिति ने चोल शासक को युद्ध में पराजित कर उससे 150 जो है हाथियों को जो है उसने छीना था और इस चोल शासक की पहचान जो है राजराज प्रथम से की जाती है। और इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि चोल अभिलेख जो है इस युद्ध के बारे में हमें मौन दिखलाई देते हैं। इन चोल अभिलेखों में इस युद्ध के निर्णय से संबंधित कोई भी सूचना हमें प्राप्त नहीं होती है। एंड चालुक्य अभिलेखों में हमें यह भी सूचना प्राप्त होती है कि उसने तैलपदिति ने गुर्जरों को भी जो है युद्ध में पराजित किया था। और इस पश्चात हमें देखते हैं कि तैलपदिति का जो साम्राज्य है वो उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में जो है तुंगभद्रा तक जो है हमें विस्तृत दिखलाई देता है। और इनके इनके काल में एक महान कन्नड़ कवि रन जो है रहते थे और जिन्होंने गदा युद्ध नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। इसके अतिरिक्त जो है तैलपदिति ने चक्रवर्ती महाराधिराज और परमेश्वर जैसी उपाधियां भी उसने जो है धारण की थी। तैलप के पश्चात जो है हमें अनेकों अन्य शासकों के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यानी तैलप के पश्चात जो है उसका पुत्र सत्याश्रय शासक बनता है, अनसत जो कि 997 से लेकर 1008 ईस्वी तक शासन करता है। इसके पश्चात विक्रमादित्य पंचम जो है शासक बनते हैं 1008 से लेकर 1014 ईस्वी तक। तत्पश्चात कुछ समय के लिए IN2 जो है शासक बनता है चालुक्य कल्याणी का। एंड इसके पश्चात जो है जय सिंह द्वितीय जो है 1015 ईस्वी में शासक बनते हैं और जिनकी अंतिम तिथि 1042 ईस्वी मानी जाती है। इसके पश्चात जो है जयसिंह द्वितीय के पश्चात जो है उसका पुत्र सोमेश्वर प्रथम जो है शासक बनता है।